संरक्षण विदर्भ आपलं सर्वांचं मन आता मी इथं आलेले आहे लोकशाही भवन इथं सर्व पत्रकारांचं जमलेलं आहे. तर आपण जाणून घेऊया की अमरावतीचा खासदार अमरावतीचा खासदार तुम्हाला जसं की टक्केवारी मागं पुढे होत आहे पाण्याची गरज आहे की कोणी निघते. अमरावती में वैसा देखा जाए तो जो मतगणना जो शुरू है यहाँ पे अभी कोई आगे रह रहा है तो कभी कोई दूसरी फेरी में दूसरा कैंडिडेट आगे रह रहा है तो उसके हिसाब से रह गया. अभी ये कहने मुश्किल है कि कौन आगे रहेगा जब तक कि पूरा रिजल्ट नहीं आता, जब तक कि पूरे मतगणना नहीं होती तब तक ये बोल नहीं सकते कि कौन आगे रहेगा. फिर भी अगर देखा जाए तो अमरावती की जो जनता ने जिसको सबसे ज़्यादा मत दिया है वो कांग्रेस है. अमरावती लोकसभा चुनाव में मतगणना का दौर शुरू हो चुका है और इसी में हमारे साथ में ज्येष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं. हम जानते हैं कि जितने से कि किस प्रकार से आगे जो है मतगणना का दौर चलेगा और अमरावती जिले के लिए नए खासदार के रूप में कौन होगा, क्या लगता है सर आपको? शासन की तरफ से अभी तो 8,000 वोटों से भगवंत राव वानखेड़े कांग्रेस के आगे हैं, लेकिन मतों में काफ़ी आगे पीछे हो रहा है. ये आतंक जीना गलत है क्योंकि यहाँ एक बार कथा हुआ था प्रशासन में पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है, ऑथेंटिक जानकारी काफ़ी लेट मिल रही है, लेकिन यहाँ नेशनल टीवी और स्टेट टीवी पे आंकड़े अलग अलग बताए जा रहे हैं और प्रेस रूम में अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं. उसे थोड़ा देर वेट करना उचित है. जैसे सर आपने भी बोले कि प्रशासन की ओर से यहाँ की व्यवस्था चरमराई हुई है, किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें का अनुभव? प्रेस रूम यहाँ बना हुआ है इसके नाता जानकारी से लेकर, लेकिन यहाँ कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो रहा है, यहाँ कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो रहा. अभी हम वरिष्ठ पत्रकार धनी से बात कर चुके हैं और उसी के साथ में हमारे और एक और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं. क्या लगता है अमरावती का नया खासदार कौन होगा और जिस प्रकार से लोकशाही भवन के अंदर में पत्रकारों के लिए असुविधाओं का आभास महसूस हो रहा है उस संदर्भ में हम कुछ बात करते हैं, क्या लगता है सर यहाँ की जो सुविधाएँ होना चाहिए पत्रकारों के लिए? ये सबसे खराब व्यवस्था बताएगी. यहाँ पे हम सुबह से आए, अभी तक क्या हमारे जो कॉलेज का लोग हैं इनको अभी तक कि नाश्ता नहीं मिला है, चाय की चाय क्या पानी भी नहीं पूरे मिलने को तैयार है. ये सारा जो मुख्य विभाग है जो भी कलेक्टर और डी आई ओ उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, कोई आदमी को पूछ के तैयार नहीं है बोलने के लिए. सर जैसे कि बीते समय में जो है कलेक्टर जो है और जो है डीआईओ के तौर से बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़ी बड़ी पत्रकार परिषदें ली गई, ऐसा नियोजन है वैसा नियोजन है, तो वो नियोजन में कहाँ खामी है? चलो नियोजन है, कोई नियोजन नहीं है. नियोजन रहता था, आप देख रहे हैं हाल कैसा है, बैठने को जगह नहीं है, पत्रकार काफी पत्रकार और जो भी यहाँ रिपोर्टिंग करने आया ना, रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं ना, आई टी में काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को यहाँ से रिपोर्टिंग क्यों करते हैं, लोगों को पता चलना चाहिए इसलिए रिपोर्टिंग करते हैं, यहाँ सुविधा ही नहीं है. क्या लगता है अमरावती शहर के लिए जिस प्रकार से 3 राउंड हो चुके हैं और अमरावती शहर के लिए नया खासदार के रूप में कौन हो सकता है? आप ही कोई बता दूँगी, मार्जिन जो है काफ़ी कम है, 30 राउंड चल रहा है, ऐसे ऐसे राउंड पड़ेंगे वैसे वैसे भीड़ किसकी ज़्यादा होती है और दूसरा मतदार संघ विधानसभा मतदार कौन ज़्यादा लेट रहता है उस पर रहेगा. ये अभी तक 3 राउंड चल रहा है, अभी कोई अपन अनुमान नहीं है, फिर भी अपन एक बोल सकते हैं कि बलवंत वानखेड़े अभी आगे है.